दिस इज़ द लास्ट लेक्चर दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक स्ट्रक्चर तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो अब तक किया है उसको समराइज करेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं तो सबसे पहले देखो व्हाट इज टेक्सटाइल यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ फैब्रिक ये पहला क्वेश्चन आ सकता है वीविंग निटिंग और नॉन वोवन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द फैब्रिक मेकिंग सेकंड क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज वीविंग इट सेल्फ इट इज इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड थर्ड क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज वार्प वार्प अनदर नेम ऑफ वार्प इज ई एंड डी एंड एंड वार्प इज दैट रंस लॉन्गिट्यूडनली अलोंग दी लेंथ ऑफ दिक एंड वेफ्ट अदर नेम ऑफ वेफ्ट इज पिक ये भी आ सकता है वट इज दिक तो वेफ्ट सोज विच रन ट्रेवर्सली विच रन विथ वाइस फोर्थ क्वेश्चन कैन बी वट इज द नेम ऑफ मशीन ऑन विच वीविंग इज डन और फेबरिक इज मेड इट इज लूम फेबरिक देन अनदर क्वेश्चन कैन बी वट इज शेडिंग शेडिंग इज डिविजन ऑफ शीट इन टू टू देन नेक्स्ट मोशन पिकिंग इन सर्जन ऑफ अ पिक और वेफ्ट वेफ्ट और पिक From one selvage or one end of the fabric to the another end widthwise, that is picking. Another question can be next beat up. Beat up is this work, this pushing up of the pick inserted to the fell of the cloth, that is called as beat up. Now these all three types of motions are called as primary motion. This can also be question name. डिफरेंट प्राइमरी मोशन देन शेडिंग पिकिंग बीटअप यहां डेफिनेशन दे रखे इसको बीटअप इज लास्ट पिक देन नेम सेकेंडरी मोशन दोज आर लेट ऑफ एंड टेकअप इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है इन तीनों की डेफिनेशन रेलिवेंस है हमारे फेब्रिक स्ट्रक्चर से नेम ऑग्जलरी मोशन ड्रॉप बॉक्स टेरीपाइल दिस कैन बी अनदर क्वेश्चन फिर जो भी शेड बनता है उसको बनाने के यानी ऊपर धागे को उठाने के और नीचे लाने के तीन तरह के मेथड हैं यानी शेडिंग मकैनिज्म तीन है एक टेपिट है एक डॉबी है एक जैकार्ड है तो ये आपको वीविंग टेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाएगा फिर पिकिंग किससे होती है शटल से वट इज द मेथड शटल और यू कैन से नाउ शटल इज रिमूव एंड शटल लेस एयर के जेट से हो सकती है रेपियर से वाटर जेट से अब ये क्वेश्चन कम ही आएंगे बस ये यहां तक है अनदर क्वेश्चन कैन बी दिस इज थर्टीन नंबर क्वेश्चन वट इज वीव रिपीट यूनिट ऑफ अ डिजाइन ठीक है इट इज द मिनिमम नंबर द इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजाइन विच वेन एक्सटेंड इथ वाइज इसे एक्सटेंड कर लो और लेंथ वाइज तो ये पूरा फैब्रिक बनाएगा ये डेफिनेशन है इसकी देन ड्राफ्ट व्हाट इज ड्राफ्ट इट गिव्स विच ऑफ दी वार्प कौन सा वार्प कौन सी हील्ड शाफ्ट से जुड़ेगा फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ से हील्ड शाफ्ट में हील्ड जुड़ी होंगी और आई से पास होगा यानी विच ऑफ द वार्प इज टू पास थ्रू विच द शाफ्ट एंड अनदर क्वेश्चन कैन बी वट इज पैक प्लान नेम अनदर नेम ऑफ पैक प्लान इज लिफ्टिंग प्लान वट इज पैक प्लान और लिफ्टिंग प्लान इट इंडिकेट विच विच ऑफ द ही देखो ये वाली ड्राफ्ट में बन गई कौन सी ही हमें लिफ्ट करनी है या नीचे लानी है जब भी कोई भी पिक इंसर्ट करो यानी इट इंडिकेट विच ऑफ द ही टू बी लिफ्टेड अप एंड विच इज टू बी ब्रॉड डाउन पिक फिर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा ये लेकिन ये आगे जो भी डिजाइन आएंगे विद ड्राफ्ट एंड पेक प्लान बनाने आ सकते हैं तो ये एक डिजाइन है लेटेस्ट से दिस इज हो तो ये पहली हिडशाफ्ट में गया ये मैच नहीं करता है, दूसरी में गया कल बताया हुआ हमने लेक्चर पहले में ये ये और ये मैच करते हैं दूसरी हिडशाफ्ट इसी वाले में गया ये इससे मैच करता है वर्किंग तो ये फर्स्ट शाफ्ट में गया ये नेक्स्ट में गया ये भी मैच नहीं करता किसी से तो ये उससे नेक्स्ट में गया ये दोनों मैच करते हैं तो ये एक ही शाफ्ट में हो गए फोर्थ में तो ये ड्राफ्ट बनाना आना चाहिए डिजाइन से और पैग प्लान बनाना ये आना चाहिए सेक्शनल व्यू फिर हम बताते हैं सेक्शनल व्यू मतलब साइड से काटोगे फैब्रिक को जैसे प्याज को काट लेते टमाटर को तो उसका व्यू दिखता है तो वो इधर व्यू देखना है लगाना है या इधर क्योंकि तो ये इधर है पैक प्लान तो हम नॉर्मली इधर वाला व्यू बना लेते हैं या नीचे बना लेते हैं सपोज करो सेक्शनल व्यू नीचे बनाते हैं ये सर्कल बना दिए ये है आपके वार्प आठ वार्प हो गए अब यहां देखो ये यह वार्प अप है यानी यहां वेफ्ट डाउन है तो ये यह, यहां ये वेफ्ट डाउन है यहां वेफ्ट अप है फिर यहाँ वेफ्ट डाउन है फिर यहाँ वेफ्ट अप है फिर यहाँ वेफ्ट डाउन है ये जो इसकी साइड होगा ये फेस होगा कपड़े का और जो इससे दूर होगा बैक होगा अगर इधर बनाते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ पहले में जो है ये वाला वार्क नीचे से जा रहा है और फिर तीन के ऊपर से है देखो सॉरी दो के ऊपर से है फिर एक के नीचे से है फिर ये एक के ऊपर से है फिर ये दो के नीचे से है और फिर एक के ऊपर से है तो ये फेस साइड है फेस मतलब जो इस तरफ आएगा उस तरफ फैब्रिक का फेस मानो और दूसरी तरफ फैब्रिक का बैक एफ लिखना है बैक ये सेक्शनल व्यू बनता है तो आपको डिजाइन से ड्राफ्ट पैक प्लान और सेक्शनल व्यू बनाना आना चाहिए ये किसी भी आगे जो डिजाइन बनाएंगे उसमें जरूरत पड़ेगी हर एक में ये एग्जाम्पल पूरा लिख रखा है इसको इफ यू विल रीड स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ पूरा प्रॉपर जैसे ये बनेगा। ये बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल है अनदर गया ये इससे मैच नहीं कर रहा इसकी वर्किंग ये सेकंड हिल शाफ्ट में गया ये इससे दोनों से मैच नहीं कर रही तो ये नेक्स्ट शाफ्ट थर्ड में गया ये इनसे मैच नहीं कर रहा तो ये नेक्स्ट हिड शाफ्ट में गया ये भी नहीं मैच कर रहा तो ये नेक्स्ट में गया ये किसी से मैच नहीं कर रहा यहां आकर दो में कहीं भरे नहीं हुए तो ये भी नेक्स्ट में गया अब ये वाला जो है देखो इधर इससे मैच कर रहा है तो ये जिस हील्ड शाफ्ट में गया है उसी हील्ड शाफ्ट में ये वाला आ गया ये मैच कर रहा है इससे तो ये जिस हील्ड शाफ्ट में गया है उसी हील्ड शाफ्ट में ये आ गया तो हील्ड शाफ्ट अब लग गई आठ के ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये अंदाजा लग जाता है विद टाइम जब बनाना स्टार्ट करोगे तो आ जाएगा और ये छे के छऐ ऐसे का ऐसा ये आ गया ये फर्स्ट हील शाफ्ट की वर्किंग है ये सेकंड की ये थर्ड की थर्ड की सॉरी ये ये फोर्थ की ये फिफ्थ की ये सिक्स की ये देखो सिक्स की वर्किंग ये है फर्स्ट की वर्किंग फर्स्ट की वर्किंग ये वाली है ये ये क्यों है क्योंकि फर्स्ट हील शाफ्ट के अंदर फर्स्ट वार्फ ही है फर्स्ट बार की वर्किंग ये टू अपू अप आ गया ये चीजें बिल्कुल यहां लिखा हुआ है कैसे सिक्स तक है सेवन तक है एट तक है कौन सा पैक प्लान ये तो पूरा लिखा हुआ है डेंटिंग ऑर्डर है ये अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्या फैब्रिक स्ट्रक्चर का क्या पर्पज है फैब्रिक स्ट्रक्चर हमें डिजाइन बताता है जो हमने पढ़ा शेडिंग और पिकिंग मेनली और बीटअप कौन कौन से यूज में आएंगे तो नॉर्मली शेडिंग और पिकिंग ये हमें बताता है ये हो गए आपके व्हाट इज सिग्निफिकेंस ये दो चार नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तो ये सत्रह क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए इसमें से